हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अनोत्री एनएम न्यूज। मैं इसमें आया हूँ ऊंची भूड़ वार्ड नंबर 3। यहाँ एक परिवार इस प्रकार है कि चाचा और भतीजे का मामला है। चाचा को इस जगह को भतीजे ने दिया। चाचा एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ना उनके पास कोई जगह है ना मकान, लेकिन भतीजा जानता था कि उनके यहाँ 3 बच्चे हैं, वो बेचारे कहाँ रहेंगे। लेकिन भतीजे ने अपने पूरा एक पोर्शन ही दे दिया, अभी ने चाचा के लिए पूरी व्यवस्था दे दी। ठीक है, अब चाचा इतने बदतमीज किस्म के हैं कि इनकी मिसेस और इनकी चाची और चाचा नंगे लेटते हैं, जैसे भैया कह रहे थे ऐसे। तो आपने पूरा हिस्सा दिया ना इनको, वो पूरा कमरा दिया है। अच्छा, अकेले भी नहीं दिया, पूरी बात बताइए। क्या क्या मैटर है चाचा का? ये मेरे चाचा है, मैं सोचा ये तड़पेंगे भटकेंगे किराए से रहेंगे इधर उधर, मैंने इसीलिए 20,000 रुपए लेके और ये इनको दे दिया कमरा, और 70,000 अपने ऊपर सखल लिया। 70,000 में कहीं कमरा मकान मिलता है? अच्छा, लेकिन आपको चाचा ने 20,000 दिए हैं, लिखित में दिए हैं? लिखित है? हाँ, वो 70 सखल लिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने अपने चाचा को जो 3 लड़कियां हैं बच्चे बच्चे देखे हटके ना, आपने इनको पूरा हिस्सा दे दिया। अच्छा, एक कमरा दे दिया। अच्छा, और कमरे के बावजूद भी यहाँ ये सब फैला के रखते है, पूरी कब्जा करना चाहते, दरवाजा बंद रखते थे। अच्छा, दरवाजा कल खुलाया गया तो 100 नंबर वाले यहाँ आके इनकी चारपाई रुपए हटा, उसके बाद रात में कुत्ते के ऊपर इन्होंने तेजाब डाल दिया। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहना क्या है कि हमने तुम्हें पोर्शन दे दिया है, लेकिन ये गैलरी हमें और किसी को आने को निकलने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये दिक्कत है तुम्हें। निकलो बैठो सब लोग, उसमें लेटना पड़ना नहीं है बस। लेटना पड़ना नहीं है, बिस्तर डाल के पड़े रहो, चारपाई डाल दो, दरवाजा बंद। अच्छा, चाचा चाची यही लेटते हैं? हाँ, ये सब यही दिन भर बनाते पड़ते रहते, नंगे नंगे लेटे। हाँ, उल्टा सीधा हमसे ड्रामा करते ताकि हम उनको फंसे। अच्छा, उलझन में क्या करते हैं? जैसे ऐसे क्या खूब दिखाई नहीं पड़ता है, फोटो देख लो। अभी बताओ, ये शर्मा रहा है भतीजा, जो बता नहीं है, इसका कहना है कि चाची और चाचा इसी बिस्तर पर लेटे रहते हैं, और कुछ क्लिप भी आपके पास है? वो है फोन में है। अच्छा, तो इनका क्या कहना, थोड़ा माहौल को ये खराब कर रहे हैं, बार-बार कहीं चाचा चाची माहौल को खराब कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज भतीजे ने एक तहरीर देना सोचा, क्योंकि जो मोहल्ला एक सम्मानित है, यहाँ अच्छी फैमिली लोग रहती है, लेकिन चाचा और चाची इतने बदतमीज है, कहीं चोरी बुलाते हैं, कहीं कोतवाली बुलवाते हैं। अच्छा अच्छा, हर जगह खिंचवाते हैं अकेला समझ के, इसीलिए हमने तो अपने अपनी जान का खतरा था तो बुआ को रख दिया। अच्छा, वो आपकी यही रहती? सारी तस्वीर मेरे पास है, लेकिन मैं उस पर आपको न्यूज में दिखा नहीं पाता हूँ। लेकिन आपको बताना, ये कुत्ता है, कुत्ते के ऊपर भी तेजाब डाला गया। कहा कि कुत्ता दिखाना, नीचे फर्श पे तेजाब फैला है, इसकी चाची उधर फर्श पे तेजाब फैला है, लेकिन ये तेजाब भी इस कुत्ते पे डाला गया। ये सब फैला हुआ था यहाँ, ये सब सफेद सफेद दाग पड़े हुए हैं। और क्या प्रॉब्लम है जी? कुछ नहीं, गैलरी बिल्कुल खाली, साफ सुथरा हटाना चाहिए यहाँ, जो है साफ सुथरा रहे, इसमें कोई वो ना रहे, ऐसे तो है। लेकिन ये चाचा और भतीजे का मामला था, 100 नंबर वाले ने चारपाई हटा दी आके, दरवाजे बिस्तर उस्तर डाल के रखे हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, देखिए इनका चाचा भतीजे का लकड़ी ऐसे डाल रखे हैं, इसे कुछ कहने के नहीं, सब अपनी बना रखे हैं। देखिए इनका चाचा भतीजे का मामला है कि चाचे के पास कोई जमीन वगैरह नहीं थी, 3 बच्चे हैं जिसमें लड़कियां हैं, और इस भतीजे ने सोचा कि ये बच्चे छोटे हैं, ये कहाँ जाएंगे, और चाचा और चाची को जो जगह दी। लेकिन उसका कहना है कि हमने ये पोर्शन दे दिया, तो पोर्शन का मतलब ये नहीं है कि जब गैलरी में आदमी आता जाता है तो इस पर बवंडर बना के रखे हैं। देखिए सब कपड़े वपड़े, मतलब पूरा इसको एक छोटा रूम बना के रखे, ऊपर का देख लीजिए, आदमी जब कोई आता है तो वो निकलेगा कैसे, इसे इसका कहना है इनके भतीजे का। लेकिन चाचा थोड़ी बदतमीजी किस्म के इंसान है, गंदे तरीके से इसमें गैलरी में लेटते हैं, इससे माहौल मोहल्ले का भी खराब होता है। मैंने कैमरा मैन शाम मिश्रा के साथ जाएगा।